फ्टरनून गुड आफ्टरनून बैठो बैठो हम बात करने जा रहे हैं क्लास इलेवन इंडियन ज्योग्राफी एनसीआरटी में जो हमारी बातचीत हुई है हम कवर कर चुके हैं संरचना भू आकृति में हमारा आखिरी पार्ट बचा हुआ है जिसमें हमें कवर करना था सम्मु। द्वीप समूह द्वीप समूह तक हमारी चीजें कवर करनी हमें और आज हमें कवर करना है ड्रेनेज सिस्टम द्वीप समूह बहुत छोटा सा कंसेप्ट है द्वीप समूह भारत में वैसे तो द्वीप समूह अगर हम कहें तो द्वीप समूह को हम दो भागों में बांटते हैं एक दूर के द्वीप और एक नजदीक के द्वीप मतलब अगर हम द्वीप समूह की बात करें तो एक ऐसे द्वीप होते हैं जो भारत में इधर ध्यान देंगे दूर के द्वीप कहलाते हैं और एक द्वीप ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भारत की मुख्य जमीन से ही जुड़े होते हैं पर द्वीप है वो क्योंकि थोड़ा सा गैप तो है पर अभी वो इतना डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम रियल में सब्जेक्ट पढ़ेंगे अभी एनसीआरटी के अकॉर्डिंग द्वीप समूह का वर्गीकरण इस आधार पर किया है कि वो भारत के पूर्व में है कि पश्चिम में तो उसमें पूर्व वाले हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह जिसको कहा जाता है अंडमान एंड निकोबार और यहां द्वीप समूह जो है वो कहलाते हैं लक्ष्य द्वीप ये दोनों क्षेत्र कैसे हैं यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश का मतलब यहां क्या निर्णय होगा वो केंद्र में बैठी हुई सरकार तय कर जैसे भाई मध्य प्रदेश है महाराष्ट्र है यहां पर मुख्यमंत्री है ना उसे कहते कि उनकी राज्य सरकार है वो निर्णय लेंगे वहां क्या होगा लेकिन वहां अंडमान निकोबार में क्या होगा ये कौन तय करता है तो याद रखना अंडमान निकोबार में हम क्या करते हैं कि एक अधिकारी नियुक्त कर देते हैं जैसे उपराज्यपाल होता है ना तो पूरा उपराज्यपाल पूरे अंडमान निकोबार के निर्णय लेता है और वो किसकी मदद से निर्णय लेता है आईएस के अधिकारियों की मदद से तो इनका कैडर होता है जिसको दिल्ली लक्षद्वीप अंडमान निकोबार ये कैडर जरूर चुनिए मतलब लोग इसमें वरीयता बहुत बाद में रखते हैं पर मैं कहूंगा चौथे पांचवे नंबर पर रखना क्योंकि कुछ समय आप अंडमान निकोबार में रहोगे तो मैक्सिमम टाइम आप फाइनली कहा जाओगे सीधा दिल्ली दिल्ली, में कैडर आ जाएगा तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये कैडर में आईएस की जो पोस्टिंग आप सोचो वहां जो बैठे हो तो आपके ऊपर कोई मुख्यमंत्री नहीं है बस एक उपराज्यपाल है तो बड़ा पावर ज्यादा होती है फ्रीडम बहुत ज्यादा होती है वो बात अलग है कि आप कहेंगे सर द्वीप में रहने से मतलब वो फ्रीडम क्या करेंगे लेकिन फिर जल्दी जब आप दिल्ली आओगे तो भाई दिल्ली का आई अधिकारी ऑब्वियसली जल्दी ग्रोथ कर पाता है तो एक अच्छा कैडर होता है ये भी तो दो प्रकार के द्वीप समूह हैं। एक बंगाल की खाड़ी अंडमान निकोबार उसकी कैपिटल राजधानी पोर्ट ब्लेयर और एक बंगाल की अरब सागर में है लक्षद्वीप उसकी राजधानी कावा रत्ती अब दोनों में बड़ा डिफरेंस क्या है ये जो अंडमान निकोबार वाले द्वीप समूह है ना ये रियल में एक पर्वत है पर वो पर्वत समुद्र के अंदर है तो समुद्र के अंदर वाला जो पर्वत है इमेजिन करो पानी के अंदर डूबा है तो जो पर्वत का हिस्सा बाहर निकल गया वो बन गया द्वीप मेरी बात समझ में आ रही है आपने मान लीजिए पानी पूरा भरा पड़ा था जैसे बचपन सामान्य गुजरा है नाले नदियों में गए हो तो मान लेते हैं कि नाले में गए हैं तुमने एक पत्थर फेंक दिया अब वो एक पत्थर फेंका तो जैसे आप एक पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर आधा पानी में डूबा है और आधा पानी के तो जो बाहर का हिस्सा है वो बन गया द्वीप जिस पर आप पैर रख रहे हो अरे इमेजिन कर पा रहे कि नहीं बचपन सामान्य गुजरा है तो वो द्वीप बन गया बस वही अंडमान एंड निकोबार जैसी चीज है कौन सा पर्वत है वो तो यहां म्यांमार का म्यांमार एक देश है यहां ये यह जो नॉर्थ ईस्ट के बाद म्यांमार में और पर्वत का नाम है म्यांमार देश के अराकन योमा पर्वत तो ये अराकन योमा पर्वत है पूरा पानी में डूबा हुआ वही अराकन योमा पर्वत जब बाहर आया तो कहलाया हमारे यहां अंडमान एंड <coughs> तो ये आइडिया लगा कि वहां द्वीप कैसे बन गए पर्वत का वो शीर्ष है फिर दिमाग में आना चाहिए कि यहां सर क्या यहां भी कोई पर्वत है तो सबसे बड़ी बात की यहां भारत का इकलौती ऐसी जगह जहां कोई माउंटेन नहीं हम कहेंगे कि यहां किसी भी प्रकार का कोई पर्वत नहीं तो फिर यहां जमीन कैसे बन गई वो तो समुद्र है तो वहां कोरल कोरल समझते हैं क्या प्रवाल जिनको कहते हैं एक जीव होता है ये इसकी बॉडी हमारी जैसी नहीं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है जब कैल्शियम कार्बोनेट की बॉडी मतलब चूना पत्थर जैसा बड़ा स्ट्रांग पत्थर सरचना है इसकी तो जब ये मर जाएगा ना तो ये पत्थरला जमीन वही पड़ा रहेगा फिर उस प्रवाल के ऊपर एक प्रवाल और जिंदा होगा फिर सोचो कि और एक प्रवाल इमेजिन करो पांच हजार साल के बाद प्रवाल 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 और वो क्या बन गया एक द्वीप जमीन आइलैंड बन गया ये बात समझ में आ रही है तो लक्ष्य द्वीप क्या है प्रवालों से बना हुआ द्वीप है और अंडमान क्या है राकन योमा पर्वत का पानी से बाहर निकला हुआ मेरी बात समझ में आ रही है इधर ध्यान देना जरा एक मैप में देखते थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा पिक्चर और अच्छी क्लियर हो जाएगी ये देखो तो ये है म्यांमार ठीक इस म्यांमार में यहां पर एक पर्वत है और यह पर्वत कंटिन्यू है और यही पर्वत आगे जब बढ़ा तो जो हिस्सा जमीन पर रहा वो तो ठीक है पर जो पानी में चला गया वो डूब गया तो जो हिस्सा जितना बाहर आ पाया वहां वहां द्वीप समूह है और याद रखना जैसे पिछली बार में बताया था ये मत सोचना केवल द्वीप समूह हमारा है द्वीप समूह के आसपास का 200 नॉटिकल माइल तक का पानी भी तो बहुत सारी चीजें भाई मछलियां है पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं तो इतना बड़ा रिसोर्स हमारे कब्जे में आ जाता है यहां भी वैसा ही तो बहुत बड़ा एरिया हमें मिल जाता है विकास के लिए तो अराकन योमा का माइंड सेट में दिमाग में बात आ रही है ना तो पर, हमारे पास द्वीप कितने टाइप के हैं दो टाइप के एक है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान और निकोबार अंडमान निकोबार कैसा द्वीप है पर्वत का शीर्ष भाग है वो और लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है प्रवालों के कारण बना हुआ है ये बिल्कुल मतलब कुछ भी याद रहना रहा ये दो पॉइंट याद जरूर रहे अब एनसीआरटी क्या बताती उस पर गौर करते भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह एक बंगाल की खाड़ी में है और दूसरा अरब सागर है ये सभी को पता है ना इधर वाला क्षेत्र कहलाता है बंगाल की खाड़ी और ये वाला क्षेत्र कहलाता है अरब सागर बंगाल की खाड़ी के द्वीप में कुल कितने द्वीप हैं पांच पहला पॉइंट नोट करेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप में कुल पांच द्वीप है दूसरा पॉइंट छह डिग्री उत्तर से लेकर चौदह डिग्री उत्तर बानवे डिग्री पूर्व से लेकर चौरानवे डिग्री पूर्व के बीच में मैं दिखाता हूं कैसा मतलब हुआ तो दो पॉइंट नोट करेंगे सभी लोग बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में कुल पांच सौ बहत्तर द बे ऑफ बंगाल आइलैंड ग्रुप्स कंसिस्ट अबाउट फाइव सेवेंटी आईलैंड these are situated roughly between 6 degree to 14 degree north 92 degrees to 94 degree east the principal group of isolates include ritchie आरकी पेलेगो एंड लेबरिंथ आयरलैंड द एंटायर ग्रुप ऑफ आयरलैंड इज डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ फिर तीसरा पॉइंट बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार लिखा इस पॉइंट को नोट करो उत्तर में अंडमान दक्षिण में निकोबार और हमारे पूरे देश में क्या कहीं पर भी ज्वालामुखी है तो हमारे देश में कहीं पर भी ज्वालामुखी केवल द्वीप में है वो भी केवल अंडमान द्वीप में एक छोटा सा द्वीप है बैरन दो ज्वालामुखी है सुन लीजिए दो ज्वालामुखी है एक बैरन और एक नारकोंडम बैरन ज्वालामुखी जिंदा ज्वालामुखी अभी भी उसमें से लावा निकलता है और नारकोंडम डेड ज्वालामुखी है पिछले कई वर्षों से शांत पड़ा है कभी भी निकल सकता है लेकिन डेड है पिछले कई सौ डेढ़ सौ वर्षों से तो हमारे देश का इकलौता ज्वालामुखी बैरन एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी जीवंत किसे कहते हैं निकोबार में स्थित है जिससे लावा अभी भी निकल रहा है तो पहला पॉइंट आपने लिखा कितने द्वीप है किस डिग्री से किस डिग्री के बीच में है कौन सा हमारे यहां पर ज्वलंत जीवंत ज्वालामुखी वाला द्वीप है बैरन बैरन द्वीप नोट करना स्टार लगाते हुए मैं दिखाता हूं बैरन कहां पर है तो बैरन द्वीप बैरन आयरलैंड एक्टिव वॉल्केनो ओनली एक्टिव वॉल्केनो इकलौता सक्रिय जीवंत ज्वालामुखी यह किसकी बातचीत कर रहे हैं हम लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पहला पॉइंट पांच दूसरा पॉइंट किनके बीच में तीसरा पॉइंट बंगाल की खाड़ी अंडमान निकोबार उत्तर और दक्षिण में निकोबार और बैरन किसमें है निकोबार द्वीप समूह में निकोबार द्वीप समूह में लिख लिया है अब मैं थोड़ा दिखा देता हूं आपको कि किस तरीके की चीजें यहां पर है फिर डायरेक्ट इन्होंने सवाल दे दिए हैं अंडमान एंड निकोबार इधर ध्यान देना अंडमान एंड निकोबार इधर देखते चलना आपको शायद ना भी दिखे तो मैं आप थोड़ा सा आइडिया बताते चलूंगा ये ऊपर वाला जो टुकड़ा है पूरा ये अंडमान है और जो नीचे वाला है वो निकोबार है <coughs> अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है ये क्या होता है भाई वो भी समझते हैं बट अंडमान और निकोबार में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अंडमान और निकोबार वाला जो पानी है इस साइड वाला इसको नाम देते हैं अंडमान सागर इसको नाम देंगे अंडमान सागर ये है बैरन ये है बैरन तो इसको सुधार लीजिए एनसीआरटी ने गलत दिया है वो निकोबार का नहीं है अंडमान का बैरन किसका है अंडमान द्वीप समूह का ज्वालामुखी है बैरन लिखो अंडमान द्वीप समूह का ज्वालामुखी एनसीआरटी की गलती तो एनसीआरटी भी गलत होती है और नारकोंडम भी बोला मैंने आपको यह नारकोंडम है ऊपर ये भी ज्वालामुखी हमारे देश का ये भी अंडमान का और यहां कुछ जनजातियां हैं ऐसी जनजातियां जो आज तक आधुनिक लोगों के संपर्क में नहीं आई है सुनामी के समय 2004 में ये फिर भी बच गए थे मतलब इनको पुराने समय की चीजें याद है सब कैसे जान बचाई जाती है ये आज भी वस्त्र नहीं पहनते बिल्कुल पुराने जमाने के जो आज से दो लाख पांच लाख साल पहले मनुष्य रहता था ना, वैसे रहते हैं पिछले साल एक व्यक्ति क्रिश्चियन समुदाय का अपने धर्म प्रचार करने के लिए मतलब एक्चुअली वो थे क्या कहलाते हैं जो चर्च में होते हैं फादर तो वो फादर थे किसी चर्च के तो उन्होंने कहा कि हम यहां पर धर्म प्रचार के लिए जाएंगे सरकार ने बैन किया यहां किसी को जाना नहीं है फिर भी वो गए तीर बानों से वही खत्म कर दिया उन्हें मतलब जहाज में अभी किनारे पर पहुंचे भी नहीं थे वो बता रहे हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं क्योंकि उनको तो कुछ समझ में थोड़ी आ रहा है तो उन्होंने सीधे तीर चलाने शुरू कर दी आज भी कई सारे मतलब लोग इस क्षेत्र में पूरी तरह से बैन है जाना वहां सीमा लगा दी गई कि इसके बाद ना जाए क्योंकि यहाँ के बाद फिर वो जनजाति का क्षेत्र शुरू हो जाता है भारतीय है वो लेकिन उनके पास ना कोई आधार कार्ड मतलब ऐसा कुछ उम्मीद उन्हें नहीं पता कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे प्रधानमंत्री होंगे हमारा तो हमारा जो क्षेत्र है उसी में रहेंगे तो अभी तक ऐसी जनजातियां जिन तक कोई पहुंच नहीं पाए और मतलब वहां से अगर हवाई जहाज भी गुजरते हैं तो तीर कमान हवाई जहाज पर भी मार देते हैं तो जनरली कोई जाता नहीं वहां पर तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ये पूरी तरह से द्वीप किससे मिलकर बने हैं पर्वत से ज्वालामुखी पर्वत से कौन कौन से ज्वालामुखी है यहां पर बैरन और <coughs> कौन सा जीवंत है और डेड है किस द्वीप पर है अंडमान अब मैंने आपको बताए थे ये सारे पॉइंट मैं जरा समझा दू मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि एनसीआरटी थोड़ा सा बेटर यहां नहीं बता पाई ये है पृथ्वी ये है इक्वेटर जो पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटता हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखा या भू मध्य रेखा इसको हम जीरो डिग्री कहते हैं इसके ऊपर फिर आप जाएंगे एक डिग्री लाइन दो डिग्री लाइन ऐसी एक दो तीन चार पांच कहां तक नब्बे डिग्री तक जाते हैं ठीक है पीछे लाल ऐसे बैठो कि पढ़ रहे हैं मूवी थोड़ी चल रही है इधर ध्यान देना जरा तो अंडमान निकोबार मैंने कहा छह डिग्री नॉर्थ से लेकर चौदह डिग्री नॉर्थ तक मतलब पहले तो दिमाग में आना चाहिए कि सर अच्छा ये छह डिग्री और चौदह मतलब कहीं यहां बीच में है पहला पॉइंट <laughs> पर उसने पूर्वी भी बताया देशांतर तो यहां जो वर्टिकल लाइन होती ना इसको कहते हैं जीरो डिग्री वर्टिकल लाइन को इधर पूर्वी एक दो तीन चार एक सौ अस्सी तक तो कितने पर जाना है बानवे डिग्री बानवे से लेकर तो ये अंडमान निकोबार यहां पर है क्या यह पहला पॉइंट समझ में आ रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप जैसे हमारी भारत की हमने शुरुआत कही है कई जगह पर बताया है आठ डिग्री चार मिनट से भारत की शुरुआत होती है लेकिन रियल में अगर द्वीप से शुरू करें तो 6 डिग्री के आसपास ही भारत शुरू हो जाता है क्योंकि वो छह डिग्री पर कौन है अंडमान द्वीप समूह ये बात समझ में आ रही है दूसरा पॉइंट यहां पर जो लिखा हुआ था इन्होंने कि दस डिग्री चैनल दस डिग्री चैनल अभी मैंने बताया लिखा तो नहीं इन्होंने तो ये 6 डिग्री छह डिग्री के ऊपर फिर 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 तो जब किसी पानी से दस डिग्री लाइन गुजरे और ऊपर एक द्वीप और नीचे एक द्वीप हो तो फिर हम उस लाइन का नाम रखते हैं चैनल तो अब हमने उसका नाम क्या रख दिया टेन डिग्री मतलब अगर मैंने कहा नौ डिग्री चैनल तो इसका मतलब क्या हुआ नौ डिग्री वाली लेटीट्यूड लाइन उन दो द्वीपों के बीच में से गुजर रही होगी पानी में से ये चैनल वर्ड हम जमीन पे नहीं कहेंगे पानी में किसी ने कहा आठ डिग्री चैनल आठ डिग्री वाली लाइन वहां से गुजर रही होगी तो दस डिग्री चैनल कहा मतलब अब आपके दिमाग में ना चाहिए कि सर दस डिग्री वाली कोई लेटी हुई लाइन ऊपर नीचे वाले के बीच में से गुजर रही। पर आपने अगर सुना होगा तो एक इंग्लिश चैनल भी सुना होगा वो ब्रिटिशर्स लोगों के पास द्वीप समूह का आवास मिलता है वो एक अलग चीज है पर मैं कहूं दस डिग्री बारह डिग्री अठारह डिग्री तो दिमाग में ना चाहिए कौन सी बात है लेटीट्यूड अक्षांश की बातचीत है वर्ड समझ में आ रहे हैं कुल कितने द्वीप है यहां पर पांच सौ बहत्तर और ये द्वीप समूह अगर हम बातचीत करें उत्तर में अंडमान दक्षिण में उनके बीच में तो एक जरा मैप बनाइए वहीं पर ही मेरे साथ ऊपर का नाम लिखेंगे अंडमान नीचे का निकोबार इस चैनल का नाम यहां पर है यहां पर हैं फिर आपने एक शब्द सुना होगा काले पानी की सजा तो अंग्रेजों ने इतने बदमाश थे हमारे देश के जो राष्ट्रवादी नेता होते थे जो आंदोलन करते थे तो उनको देश की मुख्य भूमि से दूर या द्वीप पर ले जाते थे और इस द्वीप पर जेल होती थी कैसी जेल कमरा नहीं होता था कमरा अंडाकार जेल होती थी अंडाकार मतलब अंडा देखा है ना आप लोगों ने सोचो कि मनुष्य के आकार का अंडा बना दिया यहां ऐसी समतल जमीन नहीं होती थी जिस पर आप सो सके मतलब भारतीय जो हम कहेंगे नेता होते थे उनको परेशान करने के लिए कि उनको कभी नींद नसीब अगर उनको नींद लेनी भी है तो बैठे बैठे ही नींद लेनी पड़ेगी सोचो किन पीड़ाओं से होकर किसी को पांच साल की सजा तो ये कोई पांच साल साधे नहीं रहे हैं। उनको केवल एक छोटी सी खिड़की होती थी जहां से वो देख सकते थे अब इमेजिन करो कि वहां से अगर वो भाग के निकले भी तो इतना बड़ा महासागर बीच में है जाएंगे कहां पर आ? मतलब भागे मतलब मान लो किसी तरीके से भाग निकले भी खाने पीने को तो वही खाना पीना क्या देंगे वो थोड़ा बहुत मिनिमम से मिनिमम जो हो सकता है तो इतनी भयानक सजा इसलिए उस सजा का नाम होता था काला पानी क्योंकि सबसे कठोर कारावास होता था तो अंडमान निकोबार समझ में आ गया अब कुछ इन्होंने चीजें दी हैं कि इस द्वीप समूह पर कुछ पर्वत की चोटियां हैं इस द्वीप समूह पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है सेडल पिक सेडल पिक हमने पढ़ी थी हिमालय की याद है केटू कंचनजंगा याद है ना नंगा पर्वत नामचा बरवा माउंट एवरेस्ट मकालू वैसे ही द्वीप पर क्योंकि ये भी तो पर्वत ही है तो इसकी ऊंची चोटी वहां पर है कितना ऊंची चोटी है 738 मीटर तो नाम जरूर याद रखना सेडल पीक कहां पर है सेडल पीक अंडमान में किस अंडमान में उत्तरी अंडमान में इसके अलावा यहां कुछ और पर्वत है माउंट डियोवोली माउंट कोयोब माउंट थुईल इस तरीके के लेकिन इतने ना याद रखना केवल एक ही याद रखेंगे सेडल पिक क्या है सेडल पीक डैश करके लिखेंगे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज सेडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी तो क्लास इलेवन की एनसीआरटी इंडियन ज्योग्राफी में बस अभी आखिरी पार्ट पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप और खूबसूरत पुलीन है यह स्थित द्वीप पर सौवनीय वर्षा होती है और भूमध्य रेखा प्रकार की वनस्पति उगती है देखो सौवनीय वर्षा का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा आइडिया बता दू मैं इस पूरी पृथ्वी पर इक्वेटर के 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे इस हिस्से में हमेशा जो वर्षा होगी संवनीय प्रकार की कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी वट इज द कन्वेक्शनल रेनफॉल कन्वेक्शनल रेनफॉल की खासियत होती है फिक्स टाइम पर बारिश प्रतिदिन दोपहर दो बजे से चार बजे के बीच में बारिश होगी ही मतलब ऐसा कोई ऐसा मौसम नहीं होता कि बरसात शुरू ही नहीं है पूरे तीन सौ पैंसठ दिन दो से चार के बीच में बारिश होती है यहां क्यों क्योंकि यहां सनलाइट इतना होता है कि बड़ी मात्रा में पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर उठता है और जब पानी वेपोराइज होकर बड़ी मात्रा में ऊपर उठेगा तो ठंडा होगा ठंडा होगा तो बादल क्लाउड बनेंगे क्लाउड जैसे ही बने दोपर दो, दो बजे आते आते इतने क्लाउड में वाटर वेपर बढ़ जाता है कि वो अपने आप को संभाल और दो से चार बजे के बीच में डेली बारिश बहुत चिपचिपा मौसम मतलब ये वो मौसम है जिसमें आप लोग कभी समुद्र किनारे रुके होंगे तो बहुत ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी शरीर हमेशा ही सूखा नहीं रहेगा दिल्ली में ऐसा मौसम आता है महीने डेढ़ महीने के लिए अगर आप अभी रहेंगे नहीं होंगे तो अभी रहेंगे अगस्त के महीने में दिल्ली में जो गर्मी होती है उसमें आपका पंखा और कूलर काम कूलर चालू करोगे तो उल्टा ह्यूमिडिटी और बढ़ेगी और सांस लेने में दिक्कत आ सकती तब केवल काम करता है ए मतलब आपका शरीर अपने आप भीग जाता है इसको कहते हैं ह्यूमिडिटी का मौसम ऐसा नॉर्मल साल भर कहा मिलता है <laughs> इक्वेटर के आसपास तो कैसी रेनफॉल होती है वहां पर संवनिय प्रकार की संवन मतलब प्रतिदिन की बारिश और क्यों हो रही है सनलाइट हीट की मात्रा इतनी ज्यादा है और भूमध्य रेखी मतलब सदाबहार वन इक्वेटोरियल वेजिटेशन जब भी हम वर्ड कहेंगे तो आप इसका मतलब कहेंगे सदाबहार काफी घने वन होते हैं मतलब अंधेरा होता है नीचे इतना इसमें सघनता होती है डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है अरब सागर के द्वीप में लक्ष्य दीप और मिनिकॉय शामिल है अब हम इधर पर आते हैं तो जैसे अंडमान और निकोबार वैसे यहां भी द्वीपों का एक समूह है और फिर एक छोटा सा द्वीप है ऊपर का नाम है लक्ष्य द्वीप और नीचे का नाम है मिनी कॉय लक्ष द्वीप और मिनी मिनिकॉन किससे मिलकर बने हैं ये द्वीप प्रवालों से बहुत बड़ा डिफरेंस यूपीएससी ने पूछा है अंडमान निकोबार में मुख्य अंतर क्या है तो अंडमान निकोबार सॉरी अंडमान निकोबार और लक्ष्य द्वीप में अंडमान निकोबार पर्वतीय ज्वालामुखी पर्वतीय द्वीप है वोल्केनो माउंटेन आइलैंड है बट लक्षद्वीप कोरल आइलैंड है इट कोर आइलैंड प्रवाल से बने हैं ऊपर का भाग कहलाएगा और नीचे का भाग मिनिकॉय लक्षद्वीप और मिनी कॉय यह द्वीप अस्सी डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और इकहत्तर अस्सी डिग्री नहीं 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तर के बीच में इकहत्तर डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच में तो पहला पॉइंट आपने ये लिखा नोट करेंगे थ्योरी में पहला पॉइंट या उसके अगला लक्षद्वीप डाल दीजिए टाइटल टाइटल डालेंगे लक्षद्वीप फिर यहां लिखेंगे पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट आठ डिग्री से बारह डिग्री पूरा नॉट और इसके बीच में अभी आइडिया लग रहा है आप लोगों को पूर्व वाला इकहत्तर डिग्री से लेकर चौहत्तर डिग्री के बीच में 71 से 74 डिग्री के बीच में सबसे नजदीकी राज्य केरल है इसके लिए <coughs> तीसरा पूरा द्वीप किससे मिलकर बने हैं कोरल डिपोजिट से तीसरा पॉइंट एंटायर आइलैंड ग्रुप इज बिल्ट ऑफ कोरल डिपोजिट कितने द्वीप है यहां पर चौथा पॉइंट छत्तीस जिसमें केवल कितने पर मनुष्य रहता है लिखो मेरे लाल ये सब पॉइंट यही तो लिखना है पहला क्या लिखा टाइटल लक्षद्वीप लिखो तेजी से पहला पॉइंट लक्षद्वीप, अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है दूसरा पॉइंट आठ डिग्री उत्तर से बारह डिग्री उत्तर और इकहत्तर डिग्री पूर्व से चौहत्तर डिग्री पूर्व के बीच में तीसरा पॉइंट पूरा द्वीप प्रवाल निक्षेप से बना है चौथा पॉइंट छत्तीस द्वीप में केवल ग्यारह पर मनुष्य बाकी पर क्यों नहीं है क्योंकि वो द्वीप इतने छोटे छोटे हैं कि ज्यादा ज्यादा चार मकान बना पाएंगे तो भाई कोई व्यक्ति सोचो ऐसी अकेली जगह पर दो लोग रह रहे हैं दो मकान बना के उनको नमक भी चाहिए तो जहाज उठाओ ढूंढने जाओ कहीं दुकान मिलेगी तो भाई जिंदगी वही बेटर है ना जहां सारी फैसिलिटीज मिल सके <coughs> तो द्वीप बहुत छोटे छोटे हैं यहां पर थोड़े बड़े द्वीप है बस तो कितने द्वीप पर मनुष्य की आबादी है मात्र ग्यारह पर क्या यहां पर किसी प्रकार का कोई पर्वत है क्योंकि वो तो बना ही खुद कोरल से बनाए प्रवाल से बनाए कोरल होता है एक जीव मैं अभी दिखा देता हूं आपको कि कोरल कैसे दिखते हैं तो एक बार फिर से शॉर्ट में दोहरा देते हैं दो प्रकार के द्वीप है देश में एक है बंगाल की खाड़ी में क्या नाम ऊपर का नाम नीचे का नाम कौन सा डिग्री दस डिग्री सबसे ऊंची चोटी यहां का ज्वालामुखी बैरन और नारकोंडम कैसा क्षेत्र है केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी और कैसे किससे मिलकर बनाए अराकन योमा पर्वत का ही पानी से ऊपर निकला भाग है दूस कितने टोटल द्वीप है पांच सौ बहत्तर इधर अरब सागर द्वीप के दो है भाग लक्षद्वीप और मिनिकॉय टोटल द्वीप मानुष मनुष्य मिलता है ग्यारह पर किससे मिलकर बने द्वीप कोरल से यहां हमेशा कैसी बारिश होती है संवनिय प्रकार की कौन से वन मिलते हैं एवरग्रीन सदाबार जिनको कई बार भूमध्य रेखीय विषुवतीय वन भी कह देते हैं क्लियर है बातें आइए सवालों पर करेवा भू आकृति कहां पाई जाती है पढ़ चुके हम लोग कहां पर निम्न में से किस राज्य में लोकतक झील है अंडमान निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है दस देखो कितने बदमाश है दिया नहीं जानकारी में और प्रश्न पूछ रहे हैं डोडा बेटा कहां की चोटी है किस जगह की क्योंकि वह अन्ना ही मुड़ी थी फिर डोडा बेटा यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना है तो कौन से तटीय मैदान से होकर जाएगा कौन से कोस्टल प्लेन से वो जा पाएगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से यदि भारत में ठंडा मरुस्थल कहा स्थित है तो लद्दाख पूरा ठंडा क्षेत्र है पश्चिम तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं बनाता यह बताया था मैंने यहां डेल्टा नहीं बनाते लोग क्योंकि बहुत स्पीड ज्यादा और नदी की लंबाई ये पढ़ाया था फिर 125 शब्दों में एक्सप्लेन करनी ऐसी बातचीत है अब हम आ रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट पार्ट पर जिसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम टाइटल डालिए अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम आइए देखना पहले कोरल दिखा देता हूं मैं कोरल कैसा जीव बहुत मतलब इससे ज्यादा रंग आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखे कोरल रीप अंडमान निकोबार ये जो आप चीजें देख रहे हैं ये कोई मतलब कपास उपास का नहीं बनाए हैं पूरा पत्थर की बनी हुई स्ट्रक्चर है ये कोरल आप इसको अगर देखेंगे और भी काफी रंग बिरंगे और ये अंदर जाकर देखने का अनुभव आप लोगों को भी दिया जाएगा जब आप भारत भ्रमण करने जाएंगे तो गोताखोर जैसे होते ना जिसको कहते हैं स्कूबा डाइविंग समझते हैं स्कूबा डाइविंग आपको पूरा पानी के अंदर लेकर जाते हैं और पूरा ऐसा दृश्य दिखेगा ये है कोरल दुनिया में सबसे ज्यादा कलरफुल चीज यही है कोरल ये फूल वूल आपने सुने होंगे लेकिन इनके सामने कुछ नहीं और बहुत मछलियां बहुत ज्यादा लिविंग बींग बहुत ज्यादा और इसको अगर आप निकालेंगे पत्थर है ये पूरा ये जिंदा है अभी बड़ा होगा ये पर जब डेड बॉडी हो जाएगी तो आप कहेंगे कि ये तो पूरी तरह से पत्थर स्टोन जैसा स्ट्रक्चर है इसलिए जब एक के ऊपर एक के ऊपर एक बनता जाएगा तो एक के बाद जमीन बन जाएगी टाइटल डाला ड्रेनेज सिस्टम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट इज द ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है किसी नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उससे बनने वाला पूरा का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर उसे कहा जाता है ड्रेनेज एक ड्रेनेज सिस्टम में सबसे पहले होती है मुख्य नदी फिर उसकी सहायक नदियां जहां से मुख्य नदी बहती है उसको कहते हैं रिवर बेसिन उसको कहते हैं नदी घाटी जहां से नदी बह रही वो नदी घाटी और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है इसको कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम कई तरीके की संरचना या कई स्ट्रक्चर का बना होता है जैसे आप देख सकते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम अगर एक साथ ऐसी कई नदियां पैरल जुड़ रही हैं तो ऐसे ड्रेनेज सिस्टम को हम कहते हैं डेंड्राइट एक वृक्ष के आकार का ड्रेनेज सिस्टम क्योंकि देखो एक पौधे की टहनी दिख रही है ना <coughs> तो इसको कहते हैं टाइप का ड्रेनेज सिस्टम किसी एक ही बिंदु से बहुत सी नदियां निकले बहुत सी नदियां तो एक सेंटर मतलब बहुत सारे रेडियस तो इसको कहते हैं रेडियल ड्रेनेज सिस्टम हिंदी में अरीय, रेडियस को हिंदी में क्या कहते त्रिज्या पर इसका एक और नाम है अरिय प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम <coughs> देखो ड्रेनेज सिस्टम क्या है मान लो एक नदी का एरिया में आप हेलीकॉप्टर से घूम रहे तो जब आप ऊंचाई से उस नदी को देखोगे ना तो नदी आपको एक डिजाइन बनाते हुए दिखाई देगी वो पूरा डिजाइन जो आपकी आंखों को दिख रहा है वो ड्रेनेज सिस्टम है। क्या इमेजिनेशन कर पा रहे हैं जब हम ऊंचाई से कोई जैसे आपने कभी छत पे चढ़ के मकानों को देखा होगा ना आपको मकान दिख रहे होंगे सोचो एक नदी दिख रही है आपको बहुत ऊंचाई से तो जो दृश्य आपको दिख रहा है वो नदी का क्या है ड्रेनेज सिस्टम है आपने वर्षा ऋतु में बहती नदियां नाले वाह देखी होगी जो अतिरिक्त जल कर ले जाती है अगर ये वाहिकाएं न होती तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती अगर पानी बहता नहीं तो सब जगह लोग डूब जाते जहां ये वाहिकाएं रुक जाती है वहां पर बाढ़ आना एक सामान्य घटना है क्या आपके शहर या गांव के पास कोई नदी है क्या आप कभी वहां नौकायान करने नहाने के लिए गए हैं क्या यह नदी बारामासी है या केवल वर्षा ऋतु में पानी अन्यथा सूखी जा सूख जाती है बारामासी नदियां मतलब पूरे साल भर पानी रहेगा और आ, मौसमी नदियां मतलब आपके मोहल्ले आपके गांव के आसपास कोई ना कोई एक ऐसी नदी तो होगी जब बारिश आती है तो वहां पानी दिख जाता है बाकी टाइम वह सूखी रहती है क्या आप जानते हैं कि नदी सदैव एक ही दिशा में क्यों बहती है आपने भूगोल के अन्य दो पाठ्य पुस्तक ढालों के बारे में पढ़ा होगा तो क्या आप जल के दिशा से दूसरी दिशा में बहने का कारण बता सकते हैं उत्तर में हिमालय तथा तो दक्षिण में वेस्टर्न घाट से निकलने वाली नदियां पूर्व की ओर क्यों बहती हैं? बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित क्यों करती है तो मैंने बताया था हमारी अधिकतर नदियां पेनिन की इधर क्यों बहती हैं? स्लोप के कारण यहां पर स्लोप यह उठ गया है हिस्सा और यह हिस्सा तो यहां पर स्लोप बन गया इसलिए पूरी नदियां इस ओर बह रही है निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते परिभाषा द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम पहली परिभाषा अपवाह किसे कहेंगे निश्चित रास्ते से वाही का मतलब जगह रास्ते से बहने वाले जल को अपवाह कहेंगे ड्रेनेज कहेंगे अगर आपको थोड़ा सा भी चीजें क्लियर होगी जैसे ये देखो ये जो जगह है जहां से नदी बहती हुई दिख रही ना आपको ये कहलाएगा ड्रेनेज और इससे जुड़ी हुई बाकी सभी नदियां जो सहायक नदियां इसकी आ रही होगी उन सबको जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा ड्रेनेज सिस्टम एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाही क्षेत्र को अपवा द्रोणी कहते हैं अपो आद्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या वाटर शेड यह थोड़ा नोट करना स्टार लगाते हुए वाटर शेड ये वाला बाउंड्री लाइन समझिएगा जरा इसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एक वर्ड है ड्रेनेज और एक वर्ड है वाटर शेड एक का नाम है अपवा तंत्र और एक का नाम है जल विभाजक तो इसे थोड़ा समझना है सभी को यह इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है पहले तो अपवाह तंत्र समझ में आ गया ना जहां से नदी और उसकी सहायक नदियां गुजर रही वो जो चित्र बन रहा है वो क्या है अपवा तंत्र है कोई दिक्कत पर मुझे एक बात बताओ कोई एक अपवाह तंत्र जो एक नदी होगी और मान लो कि दो दूसरी नदी यहां और बीच में ऊंची भूमि है बीच में ऊंची जमीन है इसको कहते हैं जल विभाजक उसने जल को क्या कर दिया जैसे इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखें ये रास्ता इधर जाने के लिए इधर भी तो ये एक ड्रेनेज सिस्टम जहां से आप आना जाना कर रहे हैं, ये एक ड्रेनेज सिस्टम और बीच वाले जल विभाजक वो क्या है ऊंची जगह है कहा ध्यान है मेरी बात समझ में आ रही है ये प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं मैं इधर से आप जाते इधर से जाते हैं और जो बीच की जगह है जो ऊंची भूमि है वो क्या है जल विभाजक देखो जरा ध्यान से ये जो दिल्ली का रीजन है दिल्ली का रीजन या जो विंध्य पर्वत है विंध्य पर्वत तो देखा है ना देखा मतलब मैप में कल दिखाया था नहीं तो अभी देख लीजिए क्या है विंध्य पर्वत है। यहां से गंगा बह रही है यमुना बह रही है वो नदिया इस विंध्य पर्वत के कारण इधर नहीं जा पाई नहीं तो सीधी नीचे चली आती यहां नर्मदा बह रही है यहां तापी बह रही है। नर्मदा इस विंध्य के कारण ऊपर नहीं जा पाई तो विंध्य क्या है जल विभाजक जल विभाजक एक उच्च भूमि है वॉटर शेड इज ए हाई लैंड विच डिवाइड टू ड्रेनेज सिस्टम और इट इज द ओरिजिन ओरिजिन प्लेस ऑफ द रिवर्स या तो ये दो नदी तंत्र को अलग करता है या वहां से नदियों का उदगम होता है जैसे वेस्टर्न घाट पर्वत है दो नदियों को अलग कर रहा है इधर की नदियों को इधर की नदियों से और वो कई नदियों का ओरिजिन सेंटर भी है तो जल विभाजक की दो खासियत क्या ऊंची जमीन होगी या वहां नदियों का ओरिजिन हो रहा होगा तो ड्रेनेज जहां से नदी बहती है वाटरशेड जो दो नदी सिस्टम को अलग करता है बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी जबकि छोटी नदियों वाले नालों द्वारा क्षेत्र को जल संबर भी कह देते हैं नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है छोटा आकार जल संबर का होता है नदी द्रोणी जल संबर एकता के परिचाय का इनमें एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भाग और पूर्ण क्षेत्र में देख सकते हैं इसलिए सूक्ष्म मध्यम और वृहत नियोजन इकाई और क्षेत्रों के रूप में लिया जाता है कई जगह पर एनसीआरटी कहीं की कहीं भी चली जा रही मतलब दुख इस बात का है कि एनसीआरटी जिसने भी लिखी क्लास इलेवन की वो जगह पर नहीं था अचानक उसको ड्रेनेज याद आता है फिर वाटर शेड याद आ जाता है फिर वो वर्गन नहीं करता कि देखो इतने टाइप के ड्रेनेज हो सकते हैं इतनी टाइप की चीजें हो सकती हैं अचानक वो कहीं से भी जंप कर रहा है तो दिक्कत क्या है कि जब कोई विद्यार्थी क्लास इलेवन की एनसीआरटी खुद पढ़ता है तो केवल पहला पैराग्राफ और फिर वो फेंक देता है वो कहता है कि ये बात समझ में ही नहीं आई क्यों क्योंकि कोई कनेक्टिविटी नहीं है भारतीय अपवा तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इन दो समूह में बांटा जाता है अरब सागर का अपवा तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र यह अपवाह तंत्र दिल्ली कटक अरावली और सहयाद्री द्वारा अलग होता है जल विभाजक को एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है कुल अफवाह क्षेत्र का 77 परसेंट भाग गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी कृष्णा और आदि नदियों शामिल है बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है जबकि 23 परसेंट क्षेत्र जिसमें सिंधु नर्मदा तापी माही और पेरियार नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती अब समझना एनसीआर ने कहा है कि भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कितने भाग में बांटा जा सकता है वो नदियां जिनका पानी फाइनली कहां गिरता है बंगाल की खाड़ी में और दूसरा वे नदियां जिनका पानी फाइनली कहा गिरता है अरब सागर में तो जो अरब सागर में नदियां गिराती है पानी वो हमारे देश की टोटल पानी का नदियों के पानी का 23 परसेंट है और जो बे ऑफ बंगाल है बंगाल की खाड़ी है उसमें 77 परसेंट तो ड्रेनेज सिस्टम भारत का कितने भागों में दो वैसे ओरिजिनली हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बेसिकली दो टाइप का है समझना एक है हिमालयन रिवर सिस्टम हिमालय नदी तंत्र हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और दूसरा है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है वो दो प्रकार का है अरब सागर अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी जबकि इन गंदे लोगों ने जिसने भी किताब लिखी मुझे नहीं पता वो गंदा आदमी कौन है लेकिन उसने थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं समझा और जियोग्राफी जैसे अच्छे विषय को पूरा गंदा करके रख दिया कि बच्चे के मन में डर पैदा कर सके जल संबरण के क्षेत्र के आधार पर भारतीय अपवाद द्रोणियों को तीन भागों में बांटा गया प्रमुख नदी द्रोणी जो कि 20,000 वर्ग किलोमीटर जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है हिमालय नदी तंत्र को तीन द्रोणियों में बांटा गया सिंधु नदी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तो इस टेबल को बनाइए जरा तेजी से भारत का नदी तंत्र इंडियन रिवर सिस्टम हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम हिमालयन में तीन रिवर है कौन कौन सी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र इन गंदे लोगों ने कहा है, बीस हजार वर्ग किलोमीटर वाले को हम प्रमुख द्रोणी कहेंगे 2000 से 20000 हजार वाले को हम मध्यम द्रोणी कहेंगे और 2000 से कम वाले को हम न्यून वर्षा वाला लघु नदी द्रोणी कहेंगे मतलब क्या चाहते हैं ये और उसमें वो गंदा आदमी कह रहा है चौदह नदियां ऐसी हैं चौवालीस नदियां ये वाली हैं और ऐसी बहुत सारी नदियां ज्यादा बेटर है कि बच्चे को पहले ये तो समझाओ फिर आकार भी देखेंगे कि कितने आकार में वो पानी पहुंचा रही है अब जरा ध्यान से देखना ये जो चित्र आपके मैप में दिया गया है ये बना लिया था ना ये जो लाइन दी गई है ये बनानी है हमें ये भारत का जल विभाजक है ये लाइन क्या है वाटर डिवाइडर है ये वाली लाइन यहां से अरावली उत्तर की नदियां और दक्षिण की नदियां ये वाली लाइन पूर्व की नदियां और को अलग करती है <laughs> बनाइए थोड़ा तेजी से मैप पूरा मैप बनाएंगे बिल्कुल सिंपल वे में मैं बता रहा हूं मैप बनाओ पीछे वाले लाल बना लिया दिखाओ हमें पूरा मैप बन गया बड़ा नहीं पूरा मैप बनाओ फिर उसके बाद ही तो वाटर शेड दिखाएंगे हम <coughs> फिर मैं आपको इसमें नदियां दिखाता हूं हमें रियल में जो नदियां पड़नी है वाटर शेड बना लो पहले यह लाइन हमेशा याद रखना वाटर शेड की मतलब यह किसकी लाइन है जल विभाजक की या तो वो दो नदियों को अलग कर रहा होगा या वहां से नदी निकल रही होगी अब मैं आपको पहले तीन नदियां दिखा रहा हूं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र और फिर पेनिनसुला की नदियां देखेंगे हम तो इधर देखना भारत में जो सिंधु नदी तंत्र है उसकी उत्पत्ति भारत के अंदर नहीं बल्कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक जगह है जहां से यह नदी इसमें दिखा रहा हूं मैं जहां से यह नदी प्रवेश करती है और यहां अचानक एक गड्ढा बनाती है जिसके कारण इसका रास्ता नीचे की ओर आ जाता है ये पूरी लास्ट में दो शाखाओं में बट जाती है यह कौन सी नदी बनाई मैंने अब इसकी पांच बड़ी सहायक नदियां हैं पांच इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं एक जम्मू कश्मीर में निकलने वाली नदी है झेलम ठीक है एक हिमाचल प्रदेश से निकलती है बड़ी नदी है चेनाब लंबी नदी है झेलम के पानी को लेकर वह आगे पहुंच रही एक वही से निकलती है हिमाचल प्रदेश से वही पर एक छोटी सी नदी है ब्यास लेकिन वह सतलज में वही के वही मिल जाती सतलज नदी वही मानसरोवर झील के करीब से पुनः राक्षस ताल से निकलती है चेमा युंगडुंग से निकलती है ताल से निकलती है ये सतलज नदी अब इधर ध्यान से देखना एक नदी जो मेन है वो जो सिंधु नदी है इंडस फिर पहली उसकी फिर रावी सबसे लास्ट में अब ये सभी का पानी जहां मिलता है ना मिठानकोट पाकिस्तान में है वो मिठान कोट और फिर वो आगे अपना डेल्टा बनाती है इस जगह पर अरब सागर में यहां एक और चीज यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि इन सभी सहायक नदियों में सबसे लंबी कौन सी है तो इमेजिन करो सतलज यहां से निकली है और तो सबसे लंबी कौन होगी ऑब्वियसली चिनाप तो हिमाचल प्रदेश में और यहां कहीं आगे बढ़ रही तो लंबी नदी सभी सहायक में सतलज पहले तो नाम देखते फिर से जो मेन नदी उसका नाम सिंधु सिंधु को अंग्रेजी में इंडस एक्चुअली जो आ, यहां के पर्शियन लोग थे फारसी लोग थे तो वो हिंदू नहीं बोल पाए मतलब वो सिंधु नहीं बोल पाए तो सिंधु का नाम उन्होंने रख दिया सिंधु की जगह हिंदू किन्ों ने पर्शियन लोगों ने फारसी लोग कह सकते हैं फिर अंग्रेजी लोगों ने पूछा उनसे कि भाई ये क्या है तो उन्होंने कहा कि ये हिंदू है अंग्रेज से नहीं बोला गया उसने इंदू बोल दिया बोले इंदू हिंदू तो सिंधु से बना हिंदू हिंदू से बना इंदू और फिर अंग्रेजों ने नदी का नाम इंदू तो लोगों का नाम इंडियन जगह का नाम इंडिया उन लोगों ने सिंधु बोल नहीं पाए सिंधुस्तान नहीं बोल पाए तो सिंधु से हो गया हिंदू लोग हिंदू जगह का नाम तो ये मेन सारा क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा उस समय जो पूरा का पूरा सोसाइटी था वो इस सिंधु नदी के आसपास ही था तो सबसे पहली नदी सिंधु की सहायक में जो ऊपर से आएगी सबसे पहली झेलम दूसरी चेनाब रावी व्यास। सीक्वेंस है ये नॉर्थ टू साउथ जे जे सी आर वी एस कोई ट्रिक्स बन रही है जेसी जेसी बी होता है ना जेसी बी होता है तो जेसी जेसीआरवीएस नहीं थोड़ा और देखो बेटर जैसा राम वैसा शाम, है है? जैसा देखना इसमें जो बन सके जे चे देखेंगे कोई ट्रिक्स तो बनाएंगे जय आजकल वैसे राम नवमी है तो देख लो जय सिया राम वाला भी कुछ बन रहा हो तो आइए वापिस आते हैं तो ये पहली नदी तंत्र है जिसका नाम था सिंधु नदी तंत्र हम देखेंगे सब डिटेल में पढ़ेंगे क्या है? पहले मैप पर देख लेते अब दूसरी आते हैं गंगा पर गंगा नदी जहां से निकलती उसका नाम है गंगोत्री नहीं जगह का नाम गंगोत्री बर्फ का है वो पूरा गंगा नदी जहां से निकलती है ना वो गंगा नदी वाली जो जगह है मतलब बहुत कम पानी है उसके अंदर वो है भागीरथी उसका नाम होता है इधर से एक नदी आ रही है अलकनंदा तो भागीरथी और अलकनंदा की मुलाकात होती है देव प्रयाग में एंड देन द नेम ऑफ द रिवर इज गंगा यह गंगा बहते हुए मैदान में प्रवेश करती है फिर यहां फरक्का के पास यहां फरक्का है दो भागों में बट जाती है एक उसकी शाखा नीचे चलती जाती है उसको कहते हुगली और फरक्का के बाद बांग्लादेश में जो प्रवेश करती है उसका नाम है पद्मा क्या कहते हैं तो नाम शुरुआत में भी गंगा नहीं है भागीरथी है भागीरथी से मिलेगी अलकनंदा कहा मिलेगी देव प्रयाग में तब उसका नाम गंगा गंगा जाएगी फरक्का तक फरक्का से दो शाखाएं एक नीचे हुगली और एक बांग्लादेश में एंट्री करेगी पद्मा के नाम से अब आइए जरा उसमें यमुना उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी सहायक नदी जो उसके साथ चलती जाती है प्रयागराज पुराना इलाहाबाद प्रयागराज में जुड़ती है पर <coughs> इसके अलावा हिमालय से निकलने वाली कई नदियां इसकी सहायक है गोमती घाघरा मैंने बताया था घग्गर अलग होता है घाघरा अलग होता है ये घाघरा है तो गोमती घाघरा गंडक कोसी फिर से गोमती घाघरा गंडक कोसी ये भी हिमालय के लेकिन उल्टे साइड से मिलती है देखना इसको क्या कहते हैं हम लोग ये मान के चलो कि मैं गंगा तो मेरा ये वाला हाथ देखो ये कौन सा हाथ है लेफ्ट और ये तो ये जो नदियां हैं हिमालय की वो कहां से मिलती है लेफ्ट साइड से लेकिन एक हिमालय की नदी लेफ्ट से नहीं राइट साइड से मिल रही है। कौन सी है? अब यहां पर कुछ और छोटी छोटी नदियां जो यमुना में गिरते कर फिर गंगा में जा रही हैं, जैसे एक बड़ी फेमस नदी है जो एमपी में निकलती है चंबल नदी फिर चंबल के अलावा यहां पर सिंध एस आई एन डी सिंध ये सिंधु और ये सिंध है शब्द में कंफ्यूज मत होना घाघरा घग्गर अलग है सिंधु सिंध अलग है वैसी दो नदियां महानदी और महानंदा अलग अलग है महानंदा यहां आएगी आखरी में और महानदी ये नीचे आती है तो कंफ्यूज नहीं होना है घाघरा घग्गर अलग है घग्गर यहां है कही और घाघरा उधर है सिंधु बहुत बड़ी नदी है सिंध बहुत ही छोटी नदी तो सिंध बनास केन ये सब चारों नदियां किससे जुड़ रही है यमुना से चंबल सिंध बनास केन लेकिन एक नदी जो है सोन नाम की देखना जरा वो डायरेक्टली गंगा से जुड़ रही है पटना के पास जाती है ये गंगा से मिलती है कौन सी नदी मतलब दक्षिण में ये वाले जो पेनिनसुलर में कौन सी ऐसी नदी है जो यमुना से नहीं सीधे गंगा से मिल रही है एक और नदी है पर टोन्स ये दी नहीं इसने मैप वाले ने यहां जहां पर ये यमुना मिलती है ना थोड़ा सा इलाहाबाद के आगे टोन्स पर टोन्स दो नदियां हैं ये भी टोन्स है यहां एक छोटी सी उत्तराखंड में नदी है छोटी सी उसका नाम भी टोन्स है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये टोन्स क्या है जैसे अगर मैं बातचीत करूं ये वाली जो चेनाब है ना चेनाब दो नदियों से मिलकर बनती है चंद्र और भागा पर चंद्रभागा महाराष्ट्र में भी है तो कई बार चीजें कई बार कंफ्यूजन कर सकते तो थोड़ा शब्दों पर ध्यान देते चलना तो गंगा पर वापिस आइए गंगा कहां से निकलती है गंगोत्री से फिर गंगोत्री से जो निकलती उसका नाम भागीरथी उससे साथ एक नदी आकर जुड़ रही है अलक नंदा दोराव मेरे साथ कौन सी नदी अलक नंदा किस जगह मिली देव प्रयाग अब उसका नाम हुआ गंगा आगे बढ़ती गई कहां तक फरक्का तक फरक्का में दो ब्रांच बनी नीचे जा रही है हुगली बांग्लादेश में जा रही है पद्मा बांग्लादेश में जा रही है पदमा फिर गंगा की सहायक नदियों में एक बहुत बड़ी सहायक नदी है तो हिमालय की लेकिन कहां से आती है राइट साइड से कौन सी यमुना की फिर बहुत सी सहायक नदियां वहां चंबल सिंध बनास केन पर दो नदियां जो डायरेक्ट गंगा से मिलती है टोन्स और सोन तो सोन बात क्लियर हो रही है फिर ऊपर में यहां पर हिमालयी नदियों में गोमती घाघरा गंडक कोसी नदियां और भी हैं। लेकिन अभी एनसीआरटी जो कह रही उसको तो पढ़े क्लियर है बातें फिर से पहली गोमती घाघरा बोलो मेरे लाल घाघरा तीसरा गंडक चौथी ये देखो लिखा है गोमती घाघरा गंडक कोसी नहीं तो यहां देखो हिंदी में घाघरा गंडक कोसी और ये गोमती शारदा नदी के साथ आगे यहां पर ये गंगा नदी दो नदियों का जंक्शन है ये केवल गंगा के बारे में देख लो इस मैप में यमुना चंबल सिंध बेतवा केन सोन यहां पर एक घाघरा कहा मिलती है हिमालय में हिमालयी नदियां किसकी सहायक हैं और घग्गर कहा मिलती है राजस्थान में पीछे लाल खो गए घाघरा और घग्घर की बात कर रहे हैं कैसी नई पीढ़ी आ गई है दो दो मिनट में उनके ध्यान भटक रहे हैं इस पर ध्यान दो मेरे लाल घाघरा गोमती घागरा गंडक कोसी इतनी बार बोला कि अब तो कक्षा तीन का बच्चा भी होता तो कहता सर मेरे याद हो गया पूछूंगा मैं अभी खड़ा करके अभी के अभी कि अभी भी याद नहीं हो रहा है तो क्या है ये जगह का नाम कोई इधर से नहीं बोलेगा इस वाली लाइन में ये जगह इधर वाली लाइन में हा मेरे लग मैं ये पूछ रहा हूं ये पूछ रहा हूं मैं मैं पूछ रहा हूं ये जगह कौन सी है जहां से वो दो भागों में बट्टी है और आगे में हां फरक का जगह है जगह का नाम फरक्का है फरक्का के नीचे हुगली उधर पद्मा नदी उसका नाम गंगा ही है लेकिन बांग्लादेश के लोग पद्मा कहें। तो पहली उधर हमने देखी सिंधु दूसरी अब आते हैं तीसरी ब्रह्मपुत्र पर ब्रह्मपुत्र का भी अद्भुत यह है कि ना शुरुआत में नाम ब्रह्मपुत्र ना, ब्रह्म ना आखिरी में लेकिन लोग कहते हैं कि वो ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति भी होती है मानसरोवर झील के नजदीक से चेमा युंग, डुंग, ग्लेशियर से ग्लेशियर का नाम है बर्फ की टोपी का नाम है चेमा युंग डुंग जैसे यहां गंगोत्री था यमुनोत्री था वैसे राक्षस ताल था वैसे यहां चेमा युंग डुंग यहां से निकलेगी तब उसका नाम सांगपो है उस नदी का नाम तिब्बत में इसको सांग अचानक बहुत बड़ा गड्ढा बनाती है यहां बहुत गहरा गहरा गार्ज और एंटर करती है इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में यहां उसका नाम दिहांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश के लोग उसका नाम दिहांग कहते दिहांग अब दो नदियां आएगी दिबांग और लोहित डी बांग और लोहित ये दो नदियां आएगी अरुणाचल प्रदेश में ये लोहित है यहां दिबांग है और जुड़ेगी और ये असम में एंट्री करेगी असम के लोग इस नदी को कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तो नाम शुरुआत में जब एंट्री की तब दिहांग दो नदियां मिली दिबांग और लोहित और उसका नाम बना ब्रह्मपुत्र जब ये असम से मेघालय से आगे होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश के लोग इसको कहते जमुना तब इसका नाम हो जाता है यहां पर जमुना जमुना की मुलाकात पद्मा से होती है तब इसका नाम पद्मा होता है कुछ टाइम के लिए नाम क्या होता है पद्मा फिर यहां एक बड़ी नदी मिलती है मेघना एक और बड़ी नदी मिलती है और उसका फाइनल नाम मेघना होता है तो पहले नाम सांगपो से दिहांग से ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र से जमुना जमुना से पद्मा, पद्मा से मेघना ना शुरुआत में ब्रह्मपुत्र ना एंड में ब्रह्मपुत्र लेकिन फिर भी लोग कहते कि अंत भला सो पर यहां कोई अंत और शुरुआत का महत्व ही उसका नाम रियल में ब्रह्मपुत्र केवल असम लेकिन इंटरनेशनली कोई मान लो ब्राजील का स्टूडेंट पढ़ रहा हो हमारी नदियों को तो वो इसको पूरा ओवरऑल ब्रह्मपुत्र ही कहेगा क्योंकि हमारी नदी है तो हम तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो तीन नदी तंत्र पहला सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु में कितनी सहायक नदियां बड़ी वाली है और भी लेकिन बड़ी पांच झेलम चेनाब रावी व्यास सतलज फिर गंगा में आइए पहली नदी भागीरथ पहली मिली अलकनंदा फिर बना नाम गंगा फरक्का में हुगली पद्मा, अब उसकी सहायक नदी में इधर से बहुत बड़ी यमुना उधर से गोमती घाघरा गंडक कोसी यमुना की सहायक नदियां बहुत सारी हैं, चंबल बना सिंध बनास केन और दो डायरेक्ट जो गंगा की है चं... यमुना की नहीं है टोन सोर सोर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में दिबांग लोहित सुबन सीरी नीचे वही आएगी एक नदी सुबन सिरी फिर यहां पर पद्मा और जो जमुना है बांग्लादेश में उसका नाम जमुना किसका नाम ब्रह्मपुत्र का और पद्मा गंगा का फिर वो दोनों पद्मा ही कहलाएगी फिर उसमें आएगी एक मेघना नदी और तब जाकर सब नदियों का नाम हो जाएगा मेघना तो फाइनली जो सागर में मिल रही है गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर वो मेघना है तो उसका जो डेल्टा है वो मेघना का डेल्टा लेकिन हम उसको कहेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड डेल्टा मतलब इतना पानी वहां मिट्टी जमा हो जाती है मैं डेल्टा का ओरिजिनल चित्र दिखाता उससे आइडिया लगेगा हर साल ये डेल्टा बढ़ रहा है मतलब बांग्लादेश हर साल बढ़ रहा है ऐसा नहीं है कि अगले साल एक किलोमीटर दो एक सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर धीमे धीमे सौ सालों में थोड़ा बहुत एरिया मिल ही जाएगा तो धीमे धीमे वहां डिपोजिशन हो रहा है ये पूरा नदी तंत्र कहां का हिमालयन नदी तंत्र तीन बड़े नदी तंत्र सिंधु <coughs> गंगा सिंधु नदी का ओरिजिन मानसरोवर के पास गंगा का गंगोत्री में ब्रह्मपुत्र का भी मानसरोवर का पर मानसरोवर से तीन नदियां निकलती है सिंधु सतलज सिंधु नदी नजदीक से निकलती जगह नहीं किसी को पता नाम ही नहीं रखा उसका वहां के लोकल लोगों ने रखा होगा पर जो सतलज है वो निकलती है राक्षस ताल से और जो ब्रह्मपुत्र निकलती है चेमा युंग डुंग से अब थोड़ी एक कहानी ले जा रहा हूं मैं पुराने जमाने में कहावत या ऐसा बोलते थे पुराना ज़माना मतलब जब हिमालय की उत्पत्ति हुई थी उस जमाने की बात कर रहे तब भूगोल शास्त्रियों का यह कहना था कि तीन नदियां नहीं थी बल्कि केवल एक ही नदी थी उस नदी का नाम था इंडो ब्रह्म रिवर इंडो मतलब सिंधु ब्रह्म मतलब ब्रह्मपुत्र सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी एक ही नदी थी या इसका दूसरा नाम था शिवालिक नदी शिवालिक के पैरल चलती थी इसलिए यह नदी निकलती थी मानसरोवर झील के आसपास से बहुत बड़ी मात्रा में पानी आता था और यह नदी ऐसे बहती थी नदी का रास्ता कैसा था ब्रह्मपुत्र निकली जैसे वहां से तो तिब्बत अरुणाचल फिर असम फिर वेस्ट बंगाल यूपी बिहार में गर, गंगा भी जुड़ गई अब और फाइनली वो कहा गिरती थी ठीक है फिर सवाल है कि ऐसा कैसे हो गया नहीं हिमालय तो ओरिजिन हो चुका ना कौन से पटार के कारण पोदार पठार दिल्ली जिस जगह पर है ये जो जगह है ना दिल्ली वाला कहा जाता है कि जब यहां पर पूरी तरह से डिपोजिशन हो चुके थे मैदान बन चुके थे तो भूकंपीय घटनाएं बढ़ गई और जो बीच का पोदार पठार था ये पोदार पठार ऊपर उठ गया जिस पर आज दिल्ली अभी हमें ना पोदार पठार और ऊपर जैसी उठा तो इस नदी का रास्ता रुक गया जिसके कारण गंगा ने अपना अलग तंत्र बना दिया ये वाली नदी इधर के इधर ही कही मुड़ गई तो ये इधर ही रह गई ये इधर ही रह गई और एक नदी जहां पानी इतना नहीं ला पाया ये तो इसने अपना एक नया रास्ता बनाया और इस तरीके से हिमालयन रिवर सिस्टम में सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की उत्पत्ति हुई किस पठार के उठने के कारण पोदार पठार के उठने के कारण यदि आप चित्र तीन दशमलव यह तो पढ़ लिया था ना तीन दशमलव एक देखेंगे तो आप पाएंगे कि नदियों का उद्गम स्थल हिमालय पर्वत है यह अपना जल बंगाल की खाड़ी अरब सागर में गिराती है उत्तर भारत की नदियों की पहचान कीजिए सब हम ही करेंगे तो ये क्या करेगा प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल वेस्टर्न घाट है ये नदियां बंगाल की खाड़ी के जल विसर्जन करती है दक्षिण भारत की नदियों की भी पहचान कीजिए नर्मदा और तापी अब थोड़ा नीचे वाली नदियों पर भी आ जाते हैं तो यहां तक तो पिक्चर क्लियर है पूरी तरह से अब अब मैक्सिमम जो नदियां हैं वो मैक्सिमम नदियां यहां से निकल रही है और इस जगह का नाम है वेस्टर्न घाट तो जो बड़ी बड़ी नदियां पहले उनको देख लेते हैं जो वेस्टर्न घाट से निकल रही है सबसे बड़ी और बड़ी महत्वपूर्ण नदी है गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है दूसरी नदी कृष्णा महाराष्ट्र वाले भाग से तीसरी नदी कर्नाटक से कावेरी नदी तो पहली गोदावरी कृष्णा कावे पर एक और बड़ी नदी है जो छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से निकलती है महानदी तो चार नदियां महानदी गोदावरी कृष्णा ठीक है पर दो नदियां जरा ध्यान से देखना निकली यहां से हैं लेकिन देखो इधर बह रही है अब सवाल है कि सर ऐसा क्या हुआ कि इतनी नदियां बिचारी सब कहा मिलने जा रही है यमुना से इसको क्या हो गया क्या नाराजगी है इधर क्यों बह रही बिचारी है? मजबूरी है उसकी ऊपर जाने की कोशिश की तो कौन आ गया विंध्यन ने कहा आगे इधर मत आना उसने कहा ठीक है फिर मैं नीचे जाती हूं किससे मिलूंगी गोदावरी से तो नीचे सतपुड़ा ने कहा इधर कहां आ रहे हो मजबूरी है उसकी रिप्ट वैली में बहती है दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं ढाल वाल नहीं है उधर जगह ही नहीं है कहीं बहने की इसलिए फाइनली उसको किधर बहना पड़ा अरब सागर की ओर वेस्ट में बात समझ में आई वही हाल तापी नदी का भी है तापी उसके ठीक नीचे इधर रोकने के लिए कौन आया तापी को सतपुड़ा नीचे अजंता पर्वत है नीचे किसकी पहाड़ियां हैं तो वो ना तो ऊपर जा सकती है ना नीचे तो इन दोनों नदियों की मजबूरी है कि उन नदियों को किन जगहों से होकर बहना पड़ रहा है भ्रंश घाटी से फॉल्ट वैली रिप्ट वैली से दोनों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी नेचर ने और इसलिए वो किस ओर बह रही है वेस्ट साइड की ओर पर इसके अलावा कुछ और नदियां जो बहुत छोटी छोटी है जैसे कल हमने देखी थी एक नदी लूनी नदी क्या बताया था लूनी के बारे में भारत की इकलौती नदी जो इनलैंड वाटर सिस्टम बनाती है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम अंतस्थलीय नदी तंत्र मतलब ना किसी नदी से मिली ना समुद्र में गई कहीं अचानक जमीन में ही गायब हो गई ठीक है <laughs> फिर अगली है साबरमती साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल किनको कहते थे महात्मा गांधी जी का जो सबसे पहला सबसे बड़ा आश्रम बना था वो साबरमती आश्रम क्यों कहते थे उसको साबरमती साबरमती के किनारे पर इसी नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा है गुजरात का सूरत नीचे है तापी नदी पर बसा हुआ है वो अहमदाबाद साबरमती के किनारे पर और एक और नदी है माही माही मतलब वो माही नहीं माही नदी तो टोटल नदी आज देख लो पांच हो गई जो कहां गिर रही हैं अरब सागर में वेस्ट की तरफ पहली लूनी भली वो अरब सागर में नहीं कि लेकिन उधर ही कहीं गायब हुई वेस्ट में दूसरी साबरमती तीसरी माही चौथी नर्मदा पांचवी तापी पर बहुत सी नदियां हैं बहुत सी मतलब अगर आप देखेंगे छोटी छोटी नदियां अगर मैं यहां जोड़ू तो मांडवी है पेरियार पर पर आएगी भरत आएगी भरत पूजा ऐसी तो कई नदियां वो बहुत ही कितनी लंबाई तीस किलोमीटर पचास किलोमीटर इतनी छोटी छोटी नदियां गिनेंगे तो ऊपर तो लाखों नदी आ जाएगी तो वापिस आते हैं ईशोर बहने वाली चार बड़ी नदियां महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ऊपर से नीचे उस और वाले में ऊपर से नीचे में पहले लूनी साबरमती माही नर्मदा और तापी बात समझ में आ रही है ये नदियां पूरी अब नदियों पर वापिस आते हैं कितना याद हो गया सबसे पहली नदी जो हिमालय की है सिंधु कहां से निकलती है मानसरोवर के नजदीक से और जाती है कश्मीर से लद्दाख से होते हुए कश्मीर कश्मीर के बाद पाकिस्तान में और कहां गिरती है अरब सागर में इसकी पहली सहायक नदी झेलम दूसरी चेनाब तीसरी रावी चौथी व्यास पांचवी इन लगभग सबकी मुलाकात पाकिस्तान के मिठान कोट में और फाइनली कहा डेल्टा बनाती है पूरी अरब सागर में दूसरा नदी तंत्र है गंगा इसकी दो लाइनें निकलती हैं एक है भागीरथी एक है अलकनंदा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है गंगा गंगा चलती जाएगी फरक्का तक वहां नीचे एक लाइन भूगली फिर बांग्लादेश में किस नाम से पद्मा फिर इसकी सहायक नदियों में हिमालय की एक नदी जो नीचे से जुड़ रही है यमुना यमुना की सहायक नदियों में चंबल सिंध बनास केन पर दो नदियां जो यमुना की नहीं डायरेक्ट गंगा की सोन और टोन्स पहले टोन्स फिर सोन ऊपर में गोमती, घाघरा गंडक कोसी ये पूरा सब मिलकर गंगा ड्रेनेज सिस्टम बनेगा अब आते हैं ब्रह्मपुत्र पर जहां से निकली चेमा युंग डुंग ग्लेशियर किस नाम से सांगपो के नाम से सांगपो के नाम से कहा तक सांगपो कहलाएगी जैसी अरुणाचल का नामचा बरुआ पर्वत आएगा वहां से टर्न लेगी किस नाम से दिहांग अरुणाचल के लोग इसको दिहांग कहेंगे वहां दो नदियों से मिलेगी दिबांग लोहित और नाम कहलाएगा असम में ब्रह्मपुत्र असम से होते हुए जब ये बांग्लादेश में एंट्री करेगी तो इसका नाम होगा जमुना जमुना और पद्मा मिलेगी पद्मा, पद्मा के साथ मुलाकात होगी मेघना और जैसी मेघना का नाम जो मुलाकात होगी तो पूरी नदियां मेघना अब आते हैं पेनिनसुलर की नदियां दो पार्ट में है एक अरब सागर वाली एक बंगाल की खाड़ी अरब सागर में पहली एक नदी तो ऐसी जो किसी समुद्र में भी नहीं मिली और नदी से भी नहीं जुड़ी इनलैंड है लूनी दूसरी साबरमती माही नर्मदा ताप ठीक है अगर हम बातचीत करें उस बंगाल की खाड़ी में सबसे पहली महानदी गोदावरी कृष्णा कावेर क्लियर है बातें तो इस तरीके से बनता है भारत का ड्रेनेज सिस्टम और जो लाइन मैंने खींची थी वो जो अब दिख नहीं रही होगी ये पूरी लाइन क्या थी जल विभाजक क्या है वो जल विभाजक या तो दो नदी तंत्रों को अलग करेगा या फिर नदी का उद्गम केंद्र उसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट जल विभाजक एक तो विंध्यन याद रखना क्यों उत्तर की नदियां दक्षिण की नदियां बनाने का श्रेय इस महोदय को जाता है पश्चिम की नदियां पूर्व की नदियां बनाने का मेन श्रेय वेस्टर्न घाट को जाता है क्लियर है तो ये पूरा नदी तंत्र अब थोड़ा एनसीआरटी देखते फिर एक एक को पढ़ना है हमें नर्मदा और तापी दो बड़ी नदियां इसका अपवाद है मतलब वो सभी नदियां ऊपर वाली अभी हमने देखी सब बंगाल की खाड़ी में जा रही थी ये दोनों बड़ी नदियां अरब सागर में जा रही अनेक छोटी नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती है पश्चिम तटीय क्षेत्र में कोंकण से मालाबार तट तक बहने वाली नदियों के नाम बताए सब हम ही बताए उद्गम के प्रकार प्रकृति विशेषताओं के आधार पर भी भारतीय अपवा तंत्र को हिमालयी अपवा तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र में विभाजित किया अब बांटा उन्होंने चंबल बेतवा सोन नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि उत्पत्ति और आयु में हिमालय से निकलने वाली नदियों से ये पुरानी है फिर भी अपवा तंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है इस पुस्तक में इन्हीं का अनुसरण किया है तो भारत का ड्रेनेज सिस्टम भारतीय अपवा तंत्र मैंने छोटी बड़ी नदियां हैं तीन बड़ी भू आकृति का या उद्विकास प्रक्रिया वर्षन की प्रकृति लक्षण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है तो टाइटल डालिए पहले हिमालय ड्रेनेज सिस्टम हिमालयी अपवाह तंत्र अब हम पहले हिमालय अपवाह तंत्र की कुछ विशेषताओं को लिख लेते हैं बारिश हो रही है तो अगली क्लास मतलब नहीं है तो थोड़ा आधे घंटे खींच लेते हैं बारिश ज्यादा तेज हो रही है तो पहले हम देखते हैं कि हिमालय में जो नदी तंत्र है उसकी क्या खासियत है हिमालयन जो नदी तंत्र है उसमें सबसे बड़ी खासियत है कि यह नदियां कैसी नदियां है युवा नदियां है युवा मतलब जवान खून वाली नदियां है जवान खून की खासियत क्या होती है पानी के बहना उफान पर रहेगी पानी हमेशा भी बहुत बड़ी मात्रा में और बहने की गति और इसमें सेडिमेंट अवसाद मतलब साथ में जो मिट्टी आ रही है वो भी बहुत ज्यादा होती है तो कैसी नदियां हैं युवा नदियां। दूसरा बारा मासी। जब गर्मी का समय आएगा जैसे अभी तो इन नदियों में पानी कम नहीं उल्टा और बढ़ जाएगा क्योंकि ऊपर का बर्फ पिघलेगा तो पानी की मात्रा और बढ़ेगी तो पानी की मात्रा और बढ़ जाती है तीसरा ये नदियां क्योंकि हिमालय का कटाव कर रही हैं वर्टिकली तो कैसी नदियां कैसी घाटियां बनाएगी वी आकार की घाटियां बनाती है कुछ जगह आई आकार की घाटियां भी ये बना देती है तो कैसी घाटिया मेनली वी आकार क्या इसमें डिपोजिशन की मात्रा ज्यादा है कि नहीं है तो जैसी ये मैदान में प्रवेश करेगी तो डिपोजिशन जमा करेगी तो उसका अपना ही रास्ता रुक जाएगा तो जब अपना ही रास्ता रुक जाएगा तो क्या बनाएगी मियंडर बहुत बड़े बड़े मियंडर बदलने बनाएगी और रास्ते बदलने के लिए कुख्यात होगी कुख्यात मतलब बदनाम एक होता है विख्यात फेमस होना और एक होता है कुख्यात होना बदनाम होगी तो नदियां किस लिए जानी जाती हैं रास्ते बदलने के उसमें सबसे कॉमन है बिहार का शोक जिसको कहते हैं क्योंकि अपना रास्ता इतना बदलती इस साल इधर से बह रही थी अगले साल कहीं और से बह रही है तो हमने कहा थोड़ा जगह से बहु हमें भी समझ में आए तो अब आजकल हम उसमें क्या कर लेते बांध बना लेते तो पानी रोक कर उसको फिक्स करते कि नहीं रास्ता बदलेगा नहीं <coughs> तो पहला पॉइंट लिखते चलेंगे हिमालयी नदियों की विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ हिमालयन रिवर्स हिमालयी नदियों की विशेषताएं पहला पेरिनियर रिवर्स पेरिनियर रिवर्स पेरीनियर मतलब मासी नदियां पेरीनियर रिवर्स अंग्रेजी में हिंदी वाले लिखेंगे बारह मासी नदिया एक और नाम लिखते हिंदी में सदा नीरा या सदा नीरा हिंदी भी सीखिए जरा सदा मतलब हमेशा नीरा मतलब पानी तो उसमें क्या होता है हमेशा पानी तो पेरीनियर रिवर सदा नीरा नदिया दूसरा युवा नदिया है यंग रिवर्स यंग रिवर्स सवाल है कि कैसे कहेंगे किसी नदी को युवा और बुजुर्ग बुद्धि कैसे कहेंगे कि वह बुजुर्ग हो गई तो उसके पानी की मात्रा की गति या मात्रा पहले फिर गति और सेडिमेंट्स सेडिमेंट्स की मात्रा तो वहां लिख देना ब्रेकेट में अत्याधिक तीव्र बहती है अत्याधिक अवसादों के साथ युवा में ब्रेकेट में लिखेंगे अत्याधिक तीव्र गति अत्याधिक अवसादों के साथ वेरी फास्ट एंड हाई अमाउंट ऑफ सेडिमेंट अत्याधिक तीव्र गति और अधिक अवसादों की मात्रा के साथ ठीक है तीसरा पॉइंट V आकार की घाटिया बनाती है मेक वी शेप्ड वेली वी आकार की घाटिया बनाती है वी शेप्ड वेली ठीक है वी आकार की घाटिया क्यों युवा नदियों की खासियत ही है वी आकार की घाटिया अगला मेक मियंडर्स ऑन द प्लेन रीजन मैदानी भागों में विसर्प बनाती है विसर्प मियडर्स तो मियंडर बनाती है और आखिरी पॉइंट दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा बनाती है एंड फॉर्म वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा दुनिया के सबसे बड़े या बड़े बड़े डेल्टा बनाती है ठीक है हिमालयन हफ्ते को इन्होंने कहानी बताई है जो मैंने आपको बताई थी कहानी क्या थी पहले वो एक नदी थी उसका नाम था शिवालिक या इंडो ब्रह्म सिंधु ब्रह्म नदी देखो वो कहानी बता रहे हैं <coughs> हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है मतलब कई लोगों को क्लियर नहीं है पर भू वैज्ञानिक मानते हैं कि एक युग था जिसका नाम था एरा मायोसीन टाइम पीरियड कितने साल पहले था वो दुनिया में लगभग दो दशमलव चार करोड़ साल पहले 240 लाख साल पहले एक विशाल नदी थी जिसका नाम था शिवालिक या इंडो ब्रह्म हिमालय के पूरे शिवालिक के साथ वो बहती थी असम से पंजाब तक अंत में निचले पंजाब सिंध की खाड़ी में अपना पानी अरब सागर में गिरा देती थी और शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता इनकी सरोर उदगम और इनका जलोढ़ निक्षेप से बना है मतलब तो शिवालिक के साथ साथ शिवालिक पड़ा है ना एक पर्वत है जो आखिरी में हिमालय की रेंज बनाता है तो इस तरीके से इस धारणा की पुष्टि भी करता है कि सच में ऐसा होगा क्योंकि शिवालिक के पास बड़ी पथरीली जमीन है याद है ना शिवालिक के पास जो पथरीली जमीन है उसको क्या कहते हैं भाबर भाबर कहते तो वो पथरीली जमीन शायद इसी की देन रही हो किनारे पर ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्म नदी तीन मुख्य अपवाद तंत्र में बढ़ गई पश्चिम में सिंध और उसकी पांच सहायक नदियां मध्य में गंगा और हिमालय की नदियां और पूर्व में ब्रह्मपुत्र और उससे निकलने वाली विशाल नदी का इस विभाजन संभवतः प्लिस्टोसीन युग में हिमालय के पश्चिमी भाग में पोटवार पठार दिल्ली रिज के उत्थान के कारण हुआ यह क्षेत्र सिंधु गंगा फुआ के बीच जल विभाजक बन गया और इस प्रकार मध्य प्लिस्टोसीन काल में राजमहल की पहाड़ी और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप के डिपोजिशन ने गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों को जोड़ दिया क्योंकि जहां गंगा ब्रह्मपुत्र मिल रहे हैं वहां क्या है मालदा गैप ये फिर पढ़ाया था पिछली क्लासेस में वो भर गया और आज वो दोनों नदियां वहां जुड़ गई तो ये सब कहा कब की घटना है लिखना ये पॉइंट डब्बे में प्लिस्टोसिन युग में प्लिस्टोसिन युग में पोटवार पोटवार पठार दिल्ली रिच के उत्थान के कारण पोटवार पठार दिल्ली रिच के उत्थान के कारण इंडो ब्रह्म अथवा शिवालिक नदी तीन नदी तंत्रों में बढ़ गई इंडो ब्रह्म अथवा शिवालिक नदी तीन नदी तंत्र में बट गई कितने नदी तंत्र में बट गई तीन नदी तंत्र में किस युग की घटना हुई है घबराना नहीं प्लिस्टोसिन पढ़ेंगे हम जब फिजिकल जियोग्राफी वाला पढ़ेंगे तो प्लिस्टोसिन के बारे में चर्चाएं करेंगे कि क्या होता है प्लिस्टोसिन ठीक अब हम सबसे पहला नदी तंत्र पढ़ने जा रहे हैं हिमालय अपवा तंत्र में पहला सिंधु नदी तंत्र इंडस रिवर सिस्टम अभी हमने जो लिखा वो सब क्या था एक जनरल बातचीत थी कि भाई हिमालय की नदियों की क्या खासियत है फिर वो सिंधु की भी है गंगा की भी है ब्रह्मपुत्र की सिंधु नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु नदी और उसकी पांच पांच नदियां एक साथ पंचनद और जो जगह जहां बहती है पांचों नदियां इसलिए उस जगह का नाम पंजाब पंजाब किस बेसिस पर रखा गया पांच दो नदियों के बीच की जगह कहलाती है दुआब दो नदियों का बीच की जगह दुआब तो पांच नदी के बीच की जगह पंजाब तो नाम समझ में आए पंजाब कैसे रखा यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है जिसका क्षेत्रफल लगभग ग्यारह लाख पैंसठ हजार वर्ग किलोमीटर है भारत में इसका क्षेत्रफल तीन लाख इक्कीस हजार थ्री लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी नाइन वर्ग किलोमीटर इसकी कुल लंबाई पहला पॉइंट सिंधु नदी में सिंधु नदी की कुल लंबाई लिखना स्टार्ट करे तेजी से पर क्या है? पूरी लंबाई भारत में है दूसरा पॉइंट या उसी में कंटिन्यू भारत में उसमें से केवल 1114 किलोमीटर लंबाई सिंधु नदी की लंबाई यही है ये टोटल सिंधु नदी कितनी लंबी है अट्ठाईस किलोमीटर जिसमें 1114 किलोमीटर भारत में बहती है ये नाम दिया इन्होंने इसका उद्गम कैलाश पर्वत कैलाश मानसरोवर श्रेणी में बोखर चू के निकट एक हिमनद से होता हिमनद मतलब बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा अब बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा मतलब यह मत सोचना दो किलोमीटर तीन किलोमीटर हो सकता है सत्तर किलोमीटर लंबा और पैंतीस किलोमीटर चौड़ा टुकड़ा हो मेरी बात समझ में आ रही ना तो दूसरा पॉइंट कहां से निकलती है दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम ए ग्लेशियर नियर बोखरचू चू यह एंगल वेंगल मत लिखना इन द तिब्बेटियन रीजन रीजन बस इतना ही एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड में नहीं पहला लिखा लंबाई दूसरा लिखा जगह कैलाश पर्वत के चू के निकट वाले किसी हिमनद से ग्लेशियर हिमनद को अंग्रेजी में ग्लेशियर कहेंगे तीसरा पॉइंट वहां के लोग इसको क्या कहते हैं सिंगी खम्बान कौन से लोग तिब्बत के लोग सिंगी खम्बान जिसका मतलब होता है शेर मुख तीसरा पॉइंट नदी को तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान अथवा शेर मुख कहते हैं जिस जगह से वो निकल रही है तो नदी भी सिंगी खम्बा चौथा पॉइंट भारत में यह बहती है देखना जरा आप जरा यहां पर हिमालय में यहां पर तीन पर्वत श्रेणियां पढ़ाई है पहली काराकोरम दूसरी तीसरी तो यह किन दो पहाड़ों के बीच से एंट्री कर रही है और अगला पॉइंट भारत में लद्दाख और जास्कर से प्रवेश करती है इन इंडिया एंटर बिटवीन द लद्दाख एंड जास्कर लद्दाख और जास्कर से और यहां अचानक तर्न ले लेती है यहां यहां कहलाता है सिंधु गार्ज बहुत बड़ा गड्ढा है यह गिलगित वाली जगह भी कहलाता है तो क्या बनाती है वो सिंधु गार्ज तो लिखेंगे एक पॉइंट सिंधु गार्ज बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है मेकिंग इंडस मेकिंग इंडस गार्ज एंटर इनटू पाकिस्तान सिंधु गार्ज बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है गार्ज मतलब महाखड्ड कहते हैं अगर हिंदी कहोगे ना गार्ड का महा खड्ड खड्डे का भी बड़ा खड्डा महा खड्ड अचानक टर्न लेती है ठीक है सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां देखो सिंधु नदी की सहायक नदियां आपको भी मैंने बताई वो सब नदियां जरा गौड़ से देखना ये मैं हूं मैं सिंधु ये मेरा हाथ इधर वाला राइट और ये वाला तो जो पंच नद अभी हमने बताया वो सब किधर से सिंधु से जुड़ रहा है लेफ्ट साइड से वे नदियां सब कहा से जुड़ रही है लेफ्ट साइड से पर क्या राइट साइड से नदियां नहीं जुड़ रही है बहुत सी जिसमें फेमस नदियों के नाम देख लीजिए शोक गिलगित हुंजा शिगार गास्टिंग द्रास ये नदियां किस जगह से जुड़ रही है राइट साइड छोटी नहीं है बड़ी नदियां ये भी लेकिन क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत कम मिलती है तो इसलिए हम उस पर गौर नहीं करते और जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियों में खुर्रम तोची, गोमल, संगर है ये सभी नदियां सुलेमान श्रेणी से निकलती मतलब ये पाकिस्तान से निकलने वाली नदियां है ये नदी दक्षिण की ओर बहते हुए मिठानकोट के निकट पंच का जल प्राप्त करती है पंचनद नाम पंजाब की पांच प्रमुख नदियां सतलज व्यास रावी चेनाब झेलम को दिया गया है सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है और भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है तो थोड़ा सा यहां ऐसे लिखना जैसे मैं लिखा रहा हूं लिखेंगे ऑफ इंडस इसकी सहायक नदियां सब्सिडरी ऑफ इंडस पहला लिखना बाई ओर से मिलने वाली नदियां फर्स्ट लिखना लेफ्ट सब्सिडरी रिवर्स ओर से मिलने वाली सहायक नदियां पांचों नाम दे दो सीक्वेंस वाइज झेलम चेनाब रावी व्यास सतलज, झेलम चेनाब रावी व्यास सतलज। फिर दूसरा पॉइंट उसी में मतलब दाई ओर की सहायक नदिया दाई ओर की सहायक नदिया राइट हैंड सब्सिडरी रिवर दाई ओर की सहायक नदियां शोक गिलगित जास्कर हुंजा, नुबरा शिगर बस इतना भी हो तो चार पांच याद रखना शोक गिलगित हुंजा नुब्रा शिगार ठीक है मतलब ये समझ में आया पॉइंट ये बात समझ में आ रही है मतलब ये मैं बता रहा हूं कि एक कुछ नदियां इधर से जो पांच हैं और कुछ नदियां ठीक है तो लेफ्ट साइड से कौन सी और क्लियर है ना ये उसको मत याद रखो एक को याद रखो इसके अलावा जो बच गई सब राइट साइड से आ जाएगी ठीक है फिर एक एक नदी झेलम नदी के बारे में बताएं झेलम जो सिंधु की बड़ी महत्वपूर्ण सहायक नदी है कहां से निकलती है कश्मीर घाटी में वेरीनाग झील से वेरीनाग झरने से तो लिखेंगे झेलम टाइटल डालेंगे क्या झेलम झेलम कहां से निकलती है कश्मीर में जम्मू कश्मीर में वेरीनाग झरने से वेरीनाग झील से वेरीनाग स्प्रिंग एट वेरीनाग दूसरा पॉइंट इस झेलम नदी पर कौन सा शहर बसा है श्रीनगर और कौन सी झील से होकर बहती है ये वूलर झील कौन सा शहर और कौन सी झील 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 कहो झरना कहो पानी रुका हुआ है वहां पर फिर शहर कौन सा बसा है झेलम पर श्रीनगर शहर कौन सी झील से होकर यह नदी गुजरती है ये ऐसी नदी बह रही है ये झील आ गई फिर आगे बढ़ गई तो इसका नाम क्या रख दिया वुलर झील वुलर झील और किससे जुड़ जाकर मिलेगी पहले ये क्या डायरेक्टली मिल जाएगी सिंधु से डायरेक्ट मिलेगी किससे मिलेगी अगला आखिरी पॉइंट फाइनली मीट टू चेनाब इट्स ज्वाइन द चेनाब नियर झंग पाकिस्तान में नाम है ये झंग पाकिस्तान नाम न भी याद रखे लेकिन याद रखेंगे किससे मिलेगी चेनाब से ये किसके बारे में लिख रहे हैं झेलम कहां से निकलती है वेरीनाक से कहां पर जम्मू कश्मीर में कौन सा शहर कौन सी झील वुलर झील ठीक है फिर लिखो चेनाब अब देखो इन्होंने लिखा है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी और कितनी लंबाई बताई है 1180 किलोमीटर लगभग लेकिन आगे देखो सतलज के बारे में लिखेंगे तो सतलज में इन्होंने लंबाई नहीं दी है सतलज लगभग 1400 किलोमीटर है ठीक है तो मैंने कहा कि एनसीआरटी में जो महोदय लिखने वाला बैठा है वो जगह पे नहीं था बिल्कुल भी तो लिखना चेना, पहले तो लिखेंगे दो नदियों से मिलकर बनी है चेना, दोनों नदियों का नाम चंद्रभागा इट्स फॉर्म बाय टू स्ट्रीम्स चंद्र एंड भागा पर मैंने आपको बताया चंद्रभागा एक और जगह मिलती है महाराष्ट्र में भी चंद्र और भागा दो नदियां मिलती है लंबाई लिखेंगे 1180 किलोमीटर कहां से निकलती है हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश से हिमाचल प्रदेश से केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती है बस अभी तो इतना लिखेंगे कि कहां से निकलेगी हिमाचल प्रदेश से फिर आएंगे तीसरा रावी पहला पॉइंट हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से इट्स राइज रोहतांग पास ऑफ हिमाचल प्रदेश और यह भी किसमें जुड़ेगी चेनाब में डायरेक्ट ये नदिया किसमें नहीं जुड़ रही है क्या नाम है सिंधु में नहीं जुड़ती है पहले नदियां किसमें जुड़ती है चिनाब में और फिर चिनाब सिंधु से तो रावी में दो ही पॉइंट लिखने हैं। पहला कहां से निकली हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से लिखा ये लिखा ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से लिखा तो लिखो ना मेरे लाल रावी नाम लिखो रावी नदी और किस नदी में जाकर मिलेगी चेनाप फिर व्यास अकेली नदी है इसकी सहायक नदियों में जिसका ओरिजिन भी भारत में और सतलज में यह मिल भी भारत में ही जाती है तो लिखेंगे इकलौती नदी जो पूरी तरह से भारत में मिलती है सिंगल सब्सिडरी विच कंप्लीटली अकर इन इंडिया इकलौती नदी जो पूरी तरह से भारत में मिलती है कहां से निकलती है तो हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से हिमाचल प्रदेश के व्यास रावी निकलता है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से और आखिरी सतलज चौथी नद, आ, नदी पांचवी नदी सतलज कहां से निकलेगी मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से ताल मतलब वही झील पहला पॉइंट द सतलज ओरिजिनेट इन द ताल नियर मानसरोवर वहां इसको किस नाम से जानते हैं लांगचेन खम्बाम लॉन्ग चेन खम्बांब और फाइनली किससे जुड़ेगी चिनाब से नहीं सिंधु से सिंधु से इसी सतलज नदी पर हमारा एक बड़ा बांध है भाकड़ा नांगल बांध किस नदी पर सतलज नदी पर अगला पॉइंट कौन सा बांध बनाया है भाकड़ा नांगल दो गांव है ये पंजाब के भाकड़ा नांगल भाकड़ा नांगल प्रोजेक्ट वापिस आते हैं ये सिंधु खत्म हुआ सिंधु के बारे में हमने देखा टोटल लंबाई सिंधु की 2880 सौ कहां से निकलती है मानसरोवर के नजदीक एक झील बोखर चू जो है उसके पास कोई ग्लेशियर से निकलती है लिखवाया हमने फिर ये प्रवेश करती है दो पहाड़ियों में और फिर एक बहुत बड़ा गार्ज बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। फिर इसकी पहली सहायक झेलम कहां से बेरीनाग या वेरीनाग कहां पर कश्मीर में कौन सा शहर कौन सी झील ठीक है किस नदी में मिलेगी चेना फिर दूसरी झेलम के बाद चिनाब बड़ी नदी है लंबी नदी है चिनाब की अगर हम बातचीत करें तो चिनाब किस राज्य से निकलेगी हिमाचल फिर चिनाब के बाद रावी रोहतांग दर्रे के पास से व्यास भी पर व्यास की खासियत पूरी तरह से भारत में ही आएगी और भारत में ही खत्म हो जाएगी सतलज में ही मिल जाएगी और फिर सतलज कहां से निकलती है राकस ताल का मानसरोवर का और उस राकस्ताल से निकलने के बाद सिंधु में मिलेगी अगर हम बातचीत करें तो एक प्रोजेक्ट भी है भाकड़ा नांगल क्लियर है तो कल की क्लास में अब हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र